हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल ई अपग्रेड नॉलेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एम 200 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो जो दोस्तों हमारा एम 200 ग्रेड का जो कॉन्क्रीट होता है उसका रेशियो पूछा गया है आपसे। तो रेशियो इसका होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1:1:2, बी में दिया है 1:2:4, सी नंबर में दिया गया 1:1:2:3, फोर नंबर में दिया गया 1:2:5। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का सी एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं जिसमें से आपको कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रेशियो बताऊंगा। एम 15 का होता है 1:2:4, आपको याद रखना है। एम 20 का होता है 1:1.5:3 और एम 25 का होता है 1:1:2। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में आपसे बताया, पूछा गया है वी स्क्वायर अपॉन जी आर इजक्वल ई प्लस म्यू, व्हाट रिलेशन शो। ये जो दोस्तों इसका फार्मूला दिया गया है, तो ये किस चीज़ का फार्मूला शो कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैम्बर, ऑप्शन नंबर बी है सुपर एलिवेशन, तीसरा है कैरिज वे और फोर्थ नंबर में है साइड डिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुपर एलिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कैम्बर क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, कैम्बर क्या है? द कर्वेचर प्रोवाइडेड द सरफेस ऑफ द कैरिज वे। जो हमारा दोस्तों कर्वेचर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे सपोज करिए हमारा जो रोड है और इसमें कुछ रोड ये स्ट्रक्चर बना हुआ है रोड का, तो ये जो यहाँ से जो सरफेस है कैरिज वे का, कैरिज वे दोस्तों क्या होता है, जिस हम जहाँ पर जिस एरिया पर हमारा क्या व्हीकल रन करता है उसको बोलते हैं कैरिज वे। और कैरिज वे जो हमारा सरफेस हो गया, वहाँ पर से जो कर्वेचर प्रोवाइड करते हैं, ये जो ढाल प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं कैम्बर, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं क्रॉस स्लोप। आगे बात करते हैं सुपर एलिवेशन की। तो सुपर एलिवेशन को ध्यान से सुनिएगा, इट इज ए ट्रांसवर्स स्लोप, ये एक प्रकार का ट्रांसवर्स स्लोप होता है, प्रोवाइडेड टू कॉन्टैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द रिड्यूस द टेंडेंसी, और ये हमारी टेंडेंसी को रिड्यूस करता है, ऑफ द व्हीकल टू टर्न ओवर एंड स्किड लेटरली टूवर्ड्स बाई राइजिंग द पेवमेंट आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। इनर एज इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ई। तो ये होता है हमारा दोस्तों सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन दोस्तों क्या होता है, इसका जो इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ मोटा मोटा बताना चाहता हूँ इस सुपर एलिवेशन क्या होता है। सपोज करिए दोस्तों ये हमारा एक कर्व है, ठीक, यहाँ पर से हमारा कुछ ये, तो ये हमारा जो ये जो आउटर पोर्शन होता है, यहाँ पर कुछ इसके पोर्शन को रोड के जो लेबल होता है किनारे से थोड़ा सा उठा कर रखा जाता है, तो इसे बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ताकि हमारा जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहे, मेंटेन है, और हमारा गाड़ी जो स्किड ना हो, पलट ना जाए। तो आपको इमेज स्क्रीन पर शो हो जाएगा सुपर एलिवेशन का।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं कैरिज वे क्या होता है दोस्तों। इट इज़ द पार्ट ऑफ द रोड इन विच व्हीकल पासेस इन ए सिंगल और डबल लेन। तो जो दोस्तों हमारे जिस सरफेस पर हमारे क्या व्हीकल रन करते हैं उस सरफेस को बोलते हैं कैरिज वे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे तो क्या है दोस्तों साइड डिस्टेंस, ये हमारी इट इज अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एट विच ए ड्राइवर हैज़ विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सैनिटरी और मूविंग एट ए स्पेसिफाइड हाइट अबव द कैरिज वे इट इज नोन एज साइड डिस्टेंस। तो क्या होता है साइड डिस्टेंस, हमारा जो ड्राइवर होता है दोस्तों वो हमारे कहाँ से, जो हमारा कैरिज वे होता है रोड के लेवल से, और जो ड्राइवर जहाँ पर वो अपना बैठा है वहाँ से वो जो रोड की कैरिज वे से जो हाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की, उसे ही बोलते हैं साइट डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड पर 50 केजी ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग M100 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हमें कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी पानी की M100 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए, तो हमको चाहिए 34 लीटर पानी दोस्तों। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच लेंथ ऑफ जॉइंट इज। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा CBR टेस्ट दोस्तों। CBR फार्मूला क्या होता है, CBR फार्मूला जिसमें से हमको आपको बताना है कि CBR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये इसको आपको मालूम होना चाहिए। CBR की जो फार्मूला होती है कैलिफोर्निया बीरिंग रेशियो, इसका जो यूज होता है हमारा CBR फार्मूला किस लिए यूज होता है, तो ए मेजर ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों उसको मेजर करने के लिए CBR फार्मूला यूज में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा देखते हैं, द डायामीटर ऑफ ए बार रेनफोर्समेंट इज डी, द एनकोरेज वैल्यू ऑफ हुक इज। तो दोस्तों इसकी जो इनकोरेज वैल्यू कितनी होगी, अगर किसी भी बार का डायामीटर डी है तो इनकोरेज वैल्यू इसकी कितनी आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 4D, ऑप्शन नंबर बी दिया 80 और ऑप्शन नंबर सी दिया 12D और डी में दिया 16D। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 16D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, इन सम केसेस द बीम प्रोवाइडेड अबव द स्लैब इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों कुछ केस में क्या होता है, जो हम बीम को डालते हैं वो स्लैब के ऊपर डालते हैं, तो इस प्रकार के जो बीम होती है उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको बोला जाता है क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया मेन बीम, बी में दिया टी बीम, सी में दिया है इन्वर्टेड बीम और डी में दिया गया कॉन्टीन्यूअस बीम। तो आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टेड बीम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द pH वैल्यू ऑफ वाटर टू बी यूज इन कंक्रीट सेल जनरली। तो जो कंक्रीट सेल के लिए जो दोस्तों हमारे वाटर का जो pH वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नॉट मोर देन 7, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नॉट लेस देन 6, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नॉट लेस देन 5
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नॉट मोर देन 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 6। और जो इसका वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 6 to 8, कहीं कहीं ये भी बुक में मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रैंकिन फार्मूला विच इज। तो दोस्तों जो रैंकिन ने फार्मूला दिया था वो कौन सा फार्मूला है और उसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं। तो फार्मूला का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पी अपॉन डब्लू इंटू 1 + sin φ / 1 - sin φ का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पी अपॉन डब्लू इंटू 1 - sin φ / 1 + sin φ का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पी अपॉन 2W × 1 - sin φ / 1 + sin φ का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पी अपॉन डब्लू इंटू 1 + sin φ / 1 - sin φ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पी अपॉन डब्लू इंटू 1 - sin φ / 1 + sin φ का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विकेट ऑपरेटर्स इज यूज टू डिटरमाइन। तो दोस्तों जो हम विकेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ग्रेडिएशन ऑफ एग्रीगेट और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फाइनेस मॉडुलस ऑफ सीमेंट, सी नंबर में दिया गया नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट और डी में दिया गया नॉन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग इन सीमेंट इज ड्यू टू। तो दोस्तों जो हमारी सीमेंट में ऐसा कौन सा मटेरियल डालते हैं जो हमारी सीमेंट को जल्दी जमा देता है, तो इसमें जो किस मटेरियल का रोल प्ले होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मैग्नीशिया, बी नंबर में दिया गया सिलिका, सी नंबर में दिया गया एल्यूमिना और डी नंबर में दिया गया कैल्शियम सल्फेट। तो आपको इसका राइट ऑप्शन पिक करना है इसका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिना। अगर हमारी सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा होगी तो ये हमारी सीमेंट को जल्दी जमाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही।